क्लास एट चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसका क्वेश्चन 2 का 1 पार्ट ले रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए माइनस 4 की रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइड करना है माइनस 4 की रेस्ट टू द पावर 8 को। इस तरह से अगर आपको डिवाइड करना है तो फ्रेंड्स आपको सबसे सिंप्लीफाई याद है, जब डिवाइड होती है ना तो जो पावर्स होती है ना वो आपस में माइनस होती, तो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि देखो बैस डिजिट सेम है तो आपको क्या लेना है ए, फिर डिवाइड, फिर यहाँ लिखते हैं आप एम और यहाँ लिखते हैं एन, दोनों सेम है, कॉमन क्या आ गया हमारा ए कॉमन आ गया और एम माइनस एन, एम माइनस एन आप ये ध्यान रखिए डिवाइड का साइन है ना, तो इसमें से दो बिंदी हटा दीजिए दो और सिर्फ माइनस को याद रखिए इसको, तो यहाँ पर आपको पावर माइनस करना आ जाएगा और आपको इजीली ट्रिक से आपको याद रह जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले हमें डिजिट को रीराइट करना होता है, माइनस 4 की पावर 5 डिवाइड करना है माइनस 4 की पावर 8। अब आपको क्या करना है माइनस 4 डिवाइड में क्या 5, जो कि हमें माइनस का साइन लगाना होता है एट। तो हमें देखिए फ्रेंड्स अब हमारे पास क्या है माइनस 4, तो बेस डिजिट एज इट इज लिखना है और यहाँ से 5 प्लस के 5 पे माइनस का 8 है तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या बचा फ्रेंड्स माइनस 3। अब आपको क्या कहा है कि पॉजिटिव में आपको आंसर लिखना है फ्रेंड्स, किस में लिखना है पॉजिटिव में, तो आपको क्या करना है 4 माइनस 4 अपॉन 1 की पावर क्या होगी माइनस 3। इजीली समझे इस डिजिट का रेसिप्रोकल कर दीजिए, हमने आपको बताया था कि ए की पावर अगर माइनस एन है तो आपको क्या याद रखना है कि वन अपॉन ए हो जाएगा, ए का रेसिप्रोकल और पावर एन हो जाएगी। ये आपको एक्सपोनेंट, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको फ्रेंड्स बार बार लिखने होंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया वन अपॉन माइनस 4 की पावर 3 और आपका यही आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, आपको कंप्लीट इवेल्यूट नहीं करना है आंसर को, तो आपका आंसर यही फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम करते हैं, 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 3 एंड रेस्ट टू द पावर 2। तो आपको यहाँ याद रखना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर ए की पावर मतलब ए मतलब कोई भी वेरिएबल नंबर है जिसकी पावर एम है और फिर बाद में और ब्रैकेट लग के दूसरी पावर एन लिखी हुई है, तो जब भी ब्रैकेट हो आपको इतनी सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि जब भी ब्रैकेट हो तो आपको दोनों पावर मल्टीप्लाई करनी है, बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है ना पावर 3, मैं फटाफट लिख लेती हूँ 2, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको कट करके दोबारा से लिख 1/2 की पावर 3 2, तो हमें 1/2 लिखना है फ्रेंड्स और 3 और ये 2 लिखा हुआ नहीं मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1 एज इट इज़ है, 2 की पावर क्या 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 की पावर 6, तो यही हमारा आंसर है क्योंकि हमें पॉजिटिव पावर में ही आंसर देना होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, माइनस 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इस तरह के क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा क्या कहता है कि ए की पावर अगर एम है मल्टीप्लाई बी की पावर अगर हमारी एम है, मतलब इट मीन्स ये कि अगर पावर सेम है और हमारी बेस डिजिट डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं बेस डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी मल्टीप्लाई में हो गया और पावर कॉमन होने से हम क्या कर देंगे इसको कॉमन लेके ऐसे लिख के डाल देंगे। इस तरह का सवाल है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है माइनस 3 की पावर 4 है मतलब जिसे माइनस 3, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इसी के इक्वल होगा, तो थोड़ा सा यही चीज़ हमको यहाँ लिख कर और यहाँ इजीली इसको करना है, तो हम क्या करेंगे माइनस 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई सॉरी 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 5 अपॉन 3 की पावर 4। अब देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ये पावर सेम होगी और माइनस 1, तो सबसे पहले मैं आपको ये चाहती हूँ कि माइनस 1 जो है इसको अगर मैं सोल्व करती हूँ तो मेरा 1 आ जाता है, माइनस 1 को यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा, तो मैंने 1 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पावर कॉमन है तो मैं अब जो मैंने आपको सिखाया वही देखिए 3 हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है ना, 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 और दोनों पावर सेम होने से मैं यहाँ लिख देती हूँ 4। अब देखिए फ्रेंड्स अपन देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 3 है तो 3 से 3 हम कट कर सकते हैं, कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए 5 की पावर 4 हमारा पॉजिटिव आंसर आ चुका है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम होगा, तो 5 की पावर 4 दिस इज़ अवर आंसर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्लास एट मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हम कर रहे हैं,
थ्री रेस टू द पावर माइनस सेवन डिवाइड करना है थ्री रेस टू द पावर माइनस टेन मल्टीप्लाई थ्री रेस टू द पावर माइनस फाइव को। इस तरह के जब डिवाइड वाला होता है ना हमारा डिवाइड वाला, और जब बेस डिजिट हमारी सेम होती है फ्रेंड्स, तो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, ए डिवाइड ए मल्टीप्लाई एम ए की पावर एम डिवाइड करना है ए की पावर एन को। तो यहाँ से हमें ए कॉमन लेना है, और मैंने आपको बताया था कि डिवाइड में जो ये माइनस जैसा दिखता है ना, अगर डबल डॉट हटा दे तो माइनस जैसा दिखता है, तो आपको यही याद रखना है कि यहाँ ये जो एम एन है माइनस होगा। शॉर्ट ट्रिक। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन कर रही हूँ। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले सवाल को रीराइट करते हैं क्वेश्चन को। थ्री रेस टू द पावर सेवन माइनस सेवन डिवाइड करना है थ्री रेस टू द पावर माइनस टेन मल्टीप्लाई थ्री की पावर माइनस फाइव। इस तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम थ्री कॉमन ले लेते हैं जैसा मैंने आपको बताया। अब माइनस सेवन पावर एज इट इज़ लिख लिया, डिवाइड है तो सिर्फ इसको रीड करना में माइनस लगा दीजिए, और फिर क्या है हमारा माइनस टेन एज इट इज़ लिख लीजिए। पावर पावर से मतलब है हमें, और किसी से मतलब नहीं है। और अगर मैं इसको इस तरह से बना दूँ फ्रेंड्स, तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई थ्री की पावर माइनस फाइव। तो यहाँ देखिए थ्री माइनस सेवन एज इट इज़ माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस टेन, और थ्री मल्टीप्लाई में थ्री माइनस फाइव पावर। तो आप यहाँ देखिए थ्री की पावर क्या होगी, प्लस थ्री, माइनस सेवन में से प्लस टेन सब्ट्रैक्ट किया तो थ्री की पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री की पावर माइनस फाइव। इस तरह का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब इसे हम सोल्व करेंगे। थ्री की पावर थ्री एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और जब पावर प्लस होती है मल्टीप्लाई में होती है तो थ्री प्लस, और एज इट इज़ माइनस फाइव। तो हमारा क्या हो गया थ्री की पावर माइनस टू। थ्री की पावर क्या हो गया फ्रेंड्स, माइनस टू। देखिए अब जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। हमको क्या करना होता है फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल करना वन अपॉन थ्री, और पावर क्या हो जाएगी टू। ये हमारा आंसर है। आप चाहें तो इसी आंसर को इस तरह से वन अपॉन थ्री की पावर टू कम्प्लीट भी कर सकते हैं। दोनों आंसर करेक्ट है, ये भी सही है और ये भी सही है फ्रेंड्स, इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखने होते हैं फ्रेंड्स। तो आपको देखो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा क्या कहता है, ए की पावर अगर हमारी है एम मल्टीप्लाई में ए की पावर है हमारी एन, तो आपको क्या करना होगा, जो ये मल्टीप्लाई का साइन इसे रोटेट कर दें फ्रेंड्स, तो ए की पावर क्या हो जाएगी एम प्लस एन। मतलब मल्टीप्लाई को आपको, जैसे देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ तो ये इसकी तरह दिखेगा, नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। तो आपको जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो और बेस डिजिट सेम हो, पावर अलग अलग है, आप पावर को प्लस कर दीजिए। बस आपको इतना ही याद रखना है फ्रेंड्स, और हमारा आंसर इस तरह से कम्प्लीट हो जाता है। का सब पार्ट फिफ्थ हम करने जा रहे हैं। टू रेज द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस सेवन रेज द पावर माइनस थ्री। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले फ्रेंड्स हमें एक ही लॉ लगाना होता है। जब भी पावर माइनस में होता है तो आपको एक की पावर माइनस एन लिखना है। एक का रेसिप्रोकल वन अपॉन ए होगा, और माइनस एन प्लस पॉजिटिव एन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको हर स्थिति में लिखना है फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे पहले मैं सॉल्यूशन को करने के लिए रीराइट करती हूँ। टू की पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस सेवन इसकी पावर माइनस थ्री। हमें करना है टू, टू का रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन टू, और पावर हो जाएगी थ्री मल्टीप्लाई माइनस सेवन का रेसिप्रोकल होगा वन अपॉन माइनस सेवन, और पावर चूंकि माइनस में है तो अब पॉजिटिव बन जाएगी, तो पॉजिटिव पावर किसकी। देखिए फ्रेंड्स हर समय यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि हमें जो पावर है ना, आप यहाँ पर थ्री नीचे ही लगाएं, ऊपर भी लगाने से कोई हमारा आंसर गलत नहीं होगा, है ना। आप ऊपर लिखोगे तब भी वन को कितनी ही बार मल्टीप्लाई करो तब भी आपका वन ही होगा। तो हमें चूंकि इसी तरह से आंसर देना है, इसलिए हम वन को वन से मल्टीप्लाई, तो वन हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है हमारा, कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई पावर है ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन है, सॉरी बी की पावर एम है, तो हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए बी सेम आएगा और बी एम एम कॉमन निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थ्री पावर और थ्री पावर सेम है, तो टू की पावर टू मल्टीप्लाई माइनस सेवन, और इन दोनों की पावर कितना है फ्रेंड्स हमारी थ्री और थ्री। तो हमने आपसे क्या कहा था कि पावर मल्टीप्लाई की पावर क्या हो जाती है हमारी, प्लस में चली जाती है, और चाहे तो आप कॉमन लेके भी डाल सकते हैं जैसा हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है। तो हम यही काम यहाँ पर करेंगे, इस पावर को हम क्या करेंगे थ्री कॉमन लेकर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है वन अपॉन माइनस फोर
15 और 14 की पावर हमारी क्या है 3। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है फ्रेंड्स 1 की पावर माइनस 14 और यहाँ पर 3। अगर फ्रेंड्स अगर आपने इस तरह से अगर इसका आंसर ये भी लिखा है आपने 1/-14 और पावर 3 है तो भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा फ्रेंड्स, ये भी आंसर आपका करेक्ट है।